जयगांव के सिद्धिमल मेमोरियल ग्राउंड में आज से बंगाल प्रीमियर लीग सीजन 6 का शुभारंभ किया गया है। आज जयगांव 2 नंबर अंचल तृणमूल सभापति रीना शाह के हाथों इस टूर्नामेंट का उद्घाटन किया गया है। बंगाल प्रीमियर लीग के सभापति ऋषि शाह ने कहा कि युवा वर्ग को खेल से जोड़ने के उद्देश्य से यह टूर्नामेंट पिछले 6 वर्षों से आयोजित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस टूर्नामेंट में डुअर्स के बीरपाड़ा, हाशिमारा, दलसिंहपारा आदि जगहों से युवा भाग लेते हैं। उन्होंने कहा कि इस वर्ष कुल 10 टीमों के बीच यह खेल आयोजित हो रहा है, जिसका फाइनल 10 फरवरी के रोज संपन्न होगा। उन्होंने कहा कि इस जगह विजेता टीम को 5 फुट 3 इंच हाइट और उपविजेता को 4 फुट 8 इंच हाइट की ट्रॉफी दी जा रही है। उन्होंने कहा कि इसी तरह विजेता और उपविजेता टीम को नगद भी दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि युवा वर्ग इस टूर्नामेंट को लेकर काफी उत्साहित रहते हैं। उन्होंने कहा कि इस टूर्नामेंट को सफल बनाने में कई लोग का सहयोग रहता है। ये बंगाल प्रीमियर लीग एक्चुअली सीजन 6 है। ये हम लोग 6 साल पहले शुरू किया था। जयगांव में एक अंडर 23 या अंडर 25 कोई भी कैटेगरी का टूर्नामेंट ना होने का कारण हम लोग ने ये 6 साल पहले एक टूर्नामेंट बहुत छोटा, मतलब छोटा जगह से छोटा एक कमिटी बना के हम लोग शुरू किया था, जो कि आज इतना सक्सेस मिला है सबका कारण। तो वही मैं बोलना चाहूंगा, ऐसा एक दो और टूर्नामेंट होगा तब हम लोग को और छोटा बच्चा लोग को बड़ा मंच देने का मौका मिलेगा। ये मैं आपको बोल देना चाहता हूँ, ये हमारे डुअर्स के खिलाड़ी है, जैसे कि जयगांव, हाशिमारा हो गया, दलसिंह हो गया, बीरपारा हो गया, सारे क्षेत्र के खिलाड़ी आए हैं और हम लोग चाह रहे हैं कि सारे क्षेत्र के खिलाड़ी के हम लोग जैसे कुछ डिफरेंट अवार्ड्स देते हैं, अपराइजिंग प्लेयर, ये सब, तो ये सब नाम हम लोग एक दो आगे भेजते हैं ताकि वो लोग एक स्टेप ऊपर खेल ले, क्योंकि इधर सीनियर लोग का टूर्नामेंट तो होता है लेकिन जूनियर लोग का बहुत कमती टूर्नामेंट होता है। तो यही हम लोग का मोटिव था कि एक तो टूर्नामेंट हो जिससे हम लोग का भी अपग्रेड हो, हम लोग उम्र कलर का। ये एक्चुअली मैं बोलना चाहूंगा, पूरा मैंने भी बहुत टूर्नामेंट देखा है जयगांव में, लेकिन मैंने देखा था कि एक तो प्लेयर लोग को एक तो मोटिवेशन देना पड़ता है कि एक तो कुछ मोटिवेशन होने से प्लेयर लोग अपना थोड़ा मेहनत उन्नत लगाए। तो यही हम लोग का मोटिवेशन था कि प्लेयर लोग देख के थोड़ा खुश हो और ओनर लोग भी एक बार देख के खुश हो कि एक ट्रॉफी हम लोग दे रहे हैं इतना बड़ा, तो वो अपना 100% दे के ये टूर्नामेंट को सक्सेस बनाए। हम लोग ने कुछ कैश प्राइज भी रखा है जो कि ट्रॉफी से बढ़कर नहीं है, लेकिन ट्रॉफी जितना एक तो स्वाभिमान का चीज होता है, तो इसीलिए हम लोग ने एक तो ट्रॉफी रखा है ताकि सब कोई एक अपना ट्रॉफी देख के खेले और ये टूर्नामेंट को और आगे बढ़ाए। 5 फीट 3 इंच रनर, 4 फीट 8 इंच। मेरा नाम ऋषि शाह, मैं बीपीएल का प्रेसिडेंट। बीपीएल सीजन 6 अंडर 23 ना, आप सभी को हमारे टीएमसी का तरफ से कांग्रेचुलेशन और बहुत बहुत शुभकामना। आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, अब क्रिकेट के साथ साथ थोड़ा पढ़ाई लिखाई भी आप लोग कीजिए, थोड़ा अपना काम पर फोकस दीजिए, खेलना भी जरूरी है, पढ़ना भी जरूरी है। और हम लोग का जितना टीएमसी टीम का तरफ से हम लोग का जो भी आप लोग के लिए हेल्प चाहिए हम लोग देंगे, करेंगे। इतने बोल के मैं यही समाप्त करती हूँ। सभी मेंबर और यहाँ जितना भी टीम के खिलाड़ी भाई लोग हैं, सभी को बहुत बहुत शुभकामना। आप लोग अच्छा से खेलिए, जयगांव का नाम भी रोशन कीजिए। इस जयगांव में आप लोग हर समय खेलते हैं, हम सबको बहुत आनंद मिलता है क्योंकि ऐसा खेला, जयगांव एक बड़ा शहर बन गया। लेकिन एक बात दुख की बात है कि यहाँ पर ग्राम बहुत असुविधा है, खेल कूद नहीं कर पा रहा है हम लोग का युवा लोग। तो हम चाहते हैं जो भी है ये ग्राउंड आप लोग बचा के रखिए, हम लोग भी आप लोग के साथ है और आप लोग इसका खेल दूर करते रहिए, हम लोग साथ है। और मेरा तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे बहुत खुशी हो रहा है बीपीएल 6 के इस प्लेटफॉर्म में आके, और इनका जो अरेंजमेंट है बहुत ही शानदार है। इनका अरेंजमेंट के लिए मैं काफी साल से जेपीएल से जुड़ा हुआ हूँ और बीपीएल में फर्स्ट टाइम आया हूँ। मैं चाहता हूँ
कि हर एक साल डीपीएल ऐसे ही करते जाए और उन लोग का साथ हम लोग जुड़े हुए हैं, जो भी हेल्प चाहिए हम लोग सभी मिलकर करेंगे और उनके साथ हम लोग का पूरी प्रेमी परिवार है। आप हम लोग का मीडिया भाई इनका माध्यम से वार्ता देना चाहता हूँ हम लोग का एडमिनिस्ट्रेशन को कि आगे दिन हम लोग का ये फील्ड ग्राउंड थोड़ा अच्छा से अच्छा रखे, एडमिनिस्ट्रेशन इसको थोड़ा कंडीशन में रखे ताकि हम लोग का जयगांव का युवा को और उत्साह हो कि आगे दिन में अच्छा से अच्छा और गेम करे। थैंक यू भाई। खुशखबरी, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक पास बच्चों के लिए सुनहरा मौका। अब आप नर्सिंग कोर्स करें आपके खुद के शहर जटेश्वर पर। नर्सिंग कोर्स के साथ साथ यहां पर पैरामेडिकल कोर्स जैसे फिजियोथेरेपी, एलोपैथी, आयुर्वेदिक की भी शिक्षा ले सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें। हमारा पता है जटेश्वर शिक्षा केंद्र, जटेश्वर, जटेश्वर HP गैस कार्यालय के पास, डाकघर रोड, जिला अलीपुर द्वार। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7318916862। क्या आप भी घर को सुंदर रखने के शौकीन हैं और क्या आपको बार बार अपने घर में रंग लगवाना पड़ता है? तो बस खत्म हुआ यह परेशानी। आपके शहर में आ चुका है एक ऐसा प्रोडक्ट जो आपके घर को सुंदर तो बनाएगा ही, साथ ही यह आपको बार बार रंग के झंझट से भी दूर रखेगा। और सबसे अच्छी बात तो यह है कि यह आपके घर को आग आदि से भी सुरक्षित रखेगा। तो अब देर किस बात की है, जल्द आए गीता पॉलीग्रेनेट डोमिनो पिज्जा के पास, ऑपोजिट भेदबज स्कूल, NS रोड, जयगांव। आप हमें फोन के माध्यम से भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा नंबर है 7076665274 अथवा 7007928034।